हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि ग्लैम एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड्स, फाइनली सलमान खान की मच अवेटेड मूवी किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इतने लंबे टाइम से हम सभी इस ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेलर में आपको सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, जो कि प्योर बॉलीवुड मसाला मूवी में देखने को मिलती है। तो प्लस पॉइंट तो सबसे बड़ा मुझे यही लगा कि आपको सारे इमोशन सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ट्रेलर की ड्यूरेशन के बारे में मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, 3 मिनट 25 सेकंड लंबी ये ट्रेलर है जिसमें तो स्टार्टिंग के 1 मिनट सलमान खान और पूजा हेगड़े का ही रोमांस दिखाया जाता है जिसमें कुछ कुछ कॉमेडी लाइंस आते हैं और उसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट तब से मुझे स्टार्ट लगता है जब जगपति बाबू का एंट्री होता है। मीन्स विलेन, जो इस मूवी में विलेन का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और आप बोल सकते हो कि अगर विलेन टक्कर का नहीं हो तो मूवी में मजा ही नहीं आता है। अगर हीरो आप देख रहे हो सलमान खान टाइप, तो विलेन भी वैसा ही होना चाहिए भाई, तब जाके मजा आता है। 1-to-1 जब भी दोनों बराबरी में होता है तो लगता है। हाँ, तो विलेन में जगपति बाबू क्या खूब लग रहे हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगे, और वेंकटेश के बारे में मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगे। और सबसे बेस्ट डायलॉग तो मुझे मूवी का ये लगा जिसमें सलमान खान बोलते हैं, जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे कोई बहुत ही बड़ा वायलेंट आदमी पड़ जाता है तो उसके सामने उससे भी बड़ा वायलेंट आदमी को आके खड़ा रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मूवी का अगर BGM म्यूजिक के बारे में मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब रोमांटिक सीन रहता है पूजा हेगड़े और सलमान खान के बीच, जो सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग के वीडियो में, उसमें थोड़ा सा लाइट म्यूजिक रहता है जो माइंड को रिलैक्स करता है। उसके बाद जो एक्शन आते हैं तो एक्शन के हिसाब से एक्शन वाला BGM रहता है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। और सलमान खान के दो लुक दिखाए जाते हैं, एक लॉन्ग हेयर में, एक शॉर्ट हेयर में। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो उनके शॉर्ट हेयर वाले लुक ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगे, जो कि हमको लगता है इंटरवल के बाद दिखाया जाए, क्योंकि जो भी एक्शन वाले सीन्स दिखाए गए हैं उसमें सलमान खान के शॉर्ट हेयर मैंने ऑलमोस्ट नोटिस किए हैं फ्रेंड। तो मुझे लगता है तो एक्शन सीन तो इंटरवल के बाद ही आएगा ऑब्वियसली, तो इंटरवल के बाद ही उनका वो लुक देखने को। आपको कौन सा लुक अच्छा लगा? तो ओवरऑल बोला जाए फ्रेंड, तो मुझे मूवी पूरी फैमिली एंटरटेनिंग लगी। पूरी फैमिली ड्रामा मूवी है फ्रेंड, जिसे हम सभी अपने फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, और सलमान खान के फैंस के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात रहती है। और प्लस माइनस अगर कुछ थोड़े बहुत तो नुक्स अगर आप बोलोगे तो निकल सकता है, पर ओवरऑल मुझे तो मूवी का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। जितना मैंने सोचा था, जितना मैं उम्मीद लगा के बैठी थी, उससे तो मुझे बढ़िया लगा। सारे इमोशंस को मिक्स करके दिखाया गया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज़ जो भी आपके मन में हो कमेंट के थ्रू शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल बाय बाय, थैंक यू।